अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, वेलकम टू अमार फारूकी ऑफिशियल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हम लोगों को मिस भी किया होगा। अच्छा जी, आजकल आई एम सबसे पहले तो माजरत के साथ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आजकल व्लॉग्स बहुत कम आ रहे हैं। लास्ट व्लॉग को आए हुए मेरे ख्याल में 10 दिन हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल एक तो सबसे पहले मूड आजकल नहीं हो रहा कि कैमरा लेकर व्लॉग बनाऊँ। आजकल के आप लोगों को पता है पाकिस्तान के हालात, कराची के हालात, बहुत ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे हैं हम लोग। कोई बहुत ज़्यादा आउटिंग्स नहीं हो रही हैं और जिसे कहते हैं कि घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर के व्लॉग बनाने में मुझे ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता है। मज़ा उस वक्त आता है जब आप बाहर जाओ, बाहर जैसे कहीं खाना खाने चले गए, कहीं घूमने फिरने चले गए, वो वाले व्लॉग्स बनाओ तो अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, आपका मूड भी अच्छा होता है। आजकल के हालात की वजह से जो है वो सिर्फ इस तरह का हुआ हुआ है कि व्लॉगिंग करने का बहुत ज़्यादा। और फिर दूसरी बात यह है कि आजकल काम का प्रेशर बहुत था, काम कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से काफ़ी अरसे बाद मैं व्लॉग लेकर आया हूँ। और आज सबसे अच्छी बड़ी बात है कि आज वीकेंड है और ये जो मेरी प्रिंसेस है, ये जो मेरी बेटी है, ये जो मेरी एंजल है, ये आज सुबह सुबह जल्दी उठ गई। इत्तफाक से वैसे ये उठती नहीं है लेकिन आज जल्दी उठ गई क्योंकि आज इन्होंने रात को मुझे कहा था कि बाबा अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं तो हम जाएंगे नाश्ते पर, ब्रेकफास्ट पर। कहाँ जाएंगे ब्रेकफास्ट पर? हलवा पूरी। हलवा पूरी खाने। आज इनको मैंने दो ऑप्शन दिए थे, या तो चाय पराठा या हलवा पूरी। चैटर बॉक्स असल में हम लोग इतना जा चुके हैं कि अब चैटर बॉक्स से दिल भर चुका है, तो आज इन्होंने ऑप्ट किया। इनका दिल नहीं भरा है, हमारा भर चुका है। इन्होंने आज ऑप्ट किया है कि हम हलवा पूरी खाने जा रहे हैं। हलवा पूरी हम लोग उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं, ये तैयार हो चुकी हैं। जैसे आप लोगों ने देख लिया है मैं तैयार हो चुका हूँ, इनकी मामा कैमरे के पीछे हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। बस हम लोग निकल रहे हैं इस वक्त और आजकल आप लोगों को दिखाएंगे कि DHA वाले जो है काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बुखारी जहाँ हम लोगों ने हलवा पूरी खाई थी उसका मैंने एक व्लॉग बनाया था बहुत पहले और मैंने आप लोगों को दिखाया था जो काम हो रहा है, तो अब वो लोग काम कर चुके हैं। और रात को हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह जाने वाले हैं जी। आजकल बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है फेज़ 2 की कि जी फेज़ 2 को इस तरह बना दिया, ये कर दिया, तो वो पूरी वॉकिंग फूड स्ट्रीट बना दी है। वहाँ पर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग जाएंगे और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। तो हम लोग चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले फॉर आवर ब्रेकफास्ट ऑफ हलवा पूरी। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द ब्रेकफास्ट। सो जी, अर्ली मॉर्निंग और हम लोग आ चुके हैं हलवा पूरी का नाश्ता करने हैं फ्रॉम न्यू लसानी और यहाँ बिस्कुट है बिस्मिल्लाह होटल की चाय पियेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे लास्ट व्लॉग याद होंगे तो मैंने दिखाया था जिस वक्त DHA यहाँ पर काम कर रहा था और आप लोग ये देखेंगे कितना अच्छा बना दिया पूरा कमर्शियल एरिया, यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट पूरा हो चुका है। ये देखें जी CBC का और काफ़ी अच्छा ये लोग कमर्शियल एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं और यहाँ बाकायदा पूरे बिन्स भी रखे हुए हैं ताकि कचरा ज़्यादा ना लोग फेंकें यहाँ। और ये आ गई जी हमारी हलवा पूरी, छोले और ये चाय। और ये बैठी हुई है जी हमारी बेटी रहमा। रहमा अमजद, हाउ आर यू? ऑल गुड। और ये देखें ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ है पाकिस्तान के डिफरेंट शहर कराची का बनाया हुआ है इन लोगों ने, आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखें जी ये आ गया भट्टा पैलेस, ये आ गया मज़ार कायद, ये आ गया सी व्यू का मशहूर और ये अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार आ गया है। ये डिफरेंट वो आ चुके हैं और ये लोगों ने पूरा जहां छोटे बुखारी के ऊपर ये पूरा जिसे कहते हैं के इलेक्ट्रिक के जो नीचे जो वो उनके जो वो होते हैं पाइप्स उसके ऊपर इन लोगों ने ये बना दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स लुकिंग टू गुड। कहाँ है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। और ये देखें तो ऐसा ही है जी, अगर इसी तरह ये लोग रखें तो मेरे ख्याल में
डीएचए भी साफ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और हमें भी मजा आएगा। और ये कमर्शियल एरियाज जैसे कि आप लोगों को पता है, ये पीछे से देख लें, ये एम्प्रेस मार्केट आ गई, ये रही सॉरी, और ये कायदे आजम के मजार का ऊपर का व्यू आ चुका है। तो जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि डीएचए आजकल जोरों शोर से काम कर रहा है और रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, सफाई सुथराई के हवाले से। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो इसको कितना मेंटेन करते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत एक हद तक कर सकती है, उसके बाद लोगों की अपनी पर्सनल वो होती है कि वो लोग इस चीज़ को मेंटेन करें। और बाकायदा देखें जी, ये सिटिंग एरिया बना दिया है, ये शाम के वक्त चिलिंग एरिया बना दिया है, ये सामने पार्किंग होगी एंड आई होप कि लोग भी इसको मेंटेन कर कर रखें। वी हैव फाइनली आर डन विद आर ब्रेकफास्ट, हलवा पूरी। आज बहुत बहुत दिनों बाद हम लोग ने हलवा पूरी खाई है। रहमा, हाउ वाज इट? और जरा जोर से बोलना। It was very good and I was so surprised to see that they're so clean. Did you enjoy it? Yes, and there were zero cats and I think only like two dogs. Okay. That was such a big improvement. Okay, so now we are going to drive. और हम लोग जा रहे हैं जी, रहमान ने कहा कि मुझे एक ड्राइव पर भी लेकर चलें। तो आज काफ़ी दिनों बाद इस तरह हम लोगों ने व्लॉग बनाया है। असल में लाइफ हैज़ बीन वेरी वेरी बिजी, और ज़रा कुछ कहते हैं ना कि कभी कभार हालात ऐसे होते हैं कि आप बोर हो जाते हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा होता। तो बस आजकल जो है वो इसी तरह के चल रहे थे कि जी कैमरा उठाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। फिर मुझसे रहमा ने भी कहा, मुझसे काफ़ी बच्चों ने, आमना मरियम ने भी कहा कि अम्मू आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे आजकल, आजकल आप सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो यार व्लॉगिंग कैमरा यूज़ करते हैं और फिर व्लॉग बनाते हैं। और फॉर्चुनेटली रहमा इज़ ओके विद इट, रहमा बहुत खुश है एंड शी इज़ हैप्पी, शी इज़ वेरी एक्साइटेड। और अभी हम लोगों ने काफ़ी डोनट्स भी लिए हैं, और क्या लिया है रहमा? We got donuts, we got cupcakes and we got Baba's bread. ओके, मेरी ब्रेड भी ले ली है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो बस अभी एक राउंड लगा कर घर पर जाएंगे। और बाय द वे, कल रहमा ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अपना होमवर्क भी किया, टेस्ट की भी तैयारी की, और उसके बाद रहमा ने कुरान पाक की मुझे जो सूरतें इसको याद हैं और वो सूरतें भी इसने मुझे सुनाई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और एक व्लॉग मैं बनाऊँगा जिसमें सूरह बैयना की रहमा साहिबा जो हैं वो तिलावत करेंगी, और मैं वो इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड भी करूँगा और यूट्यूब पर डालूँगा। जहाँ हम इतने ज़्यादा अपनी आउटिंग्स दिखाते हैं, अपने खाने दिखा रहे हैं, घूमना फिरना दिखा रहे हैं, तो वहाँ लोगों को ये भी तो पता चले ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी को कुरान पाक भी उतना ही अच्छा आता है। तो इंशाल्लाह वो भी हम बनाएंगे और वो भी शेयर करेंगे। तो अब बस मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेन रोड आ चुकी है, सो यहीं पर यानी मैं बंद करता हूँ और फिर देखते हैं फिर आगे का क्या सीन है। तो जी हम लोग वापस आ चुके थे आफ्टर आर ब्रेकफास्ट और आफ्टर आर राइड, और अब जो है वो बेसिकली मुझे रहमा को छोड़ने के लिए जाना है उसकी नानी के यहाँ, और हम लोग जा रहे हैं फॉर पैडल टेनिस। मोंटी और यासर का फ़ोन आया था कि लेट्स गो फॉर पैडल टेनिस, तो अभी रेडी होऊंगा, रेडी होने के बाद वील गो फॉर पैडल टेनिस एट लेजेंड्स अरीना, और उसके बाद फिर देखते हैं। उसके बाद मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था रात को फेज़ टू जाना है, वहाँ जाकर खाना वाना खाएंगे, और आई गेस कि आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे तैयार होना है और उसके बाद वी हैव टू मूव आउट। सो सी यू। सो वी आर ऑल ड्रेस्ड अप एंड वी हैव कम टू रहमास नानीज प्लेस। ये आज अपनी नानों के घर जा रही है। पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग घर गए। घर जाकर इन्होंने पढ़ाई की और जो भी इनका होमवर्क रह गया था, और आज इन्होंने अपनी कजन्स के साथ ये डिसाइड किया हुआ था कि शी विल बी कमिंग टू हर नानोज प्लेस।
अभी इनके बाबा इनको इनकी नानों के घर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद मेरा आज दोस्तों के साथ प्लान है पेडल टेनिस का। जैसे कि आप लोगों को पता है लेजेंड्स अरीना में पेडल टेनिस होती है, तो वी आर गोइंग देयर। सो क्विकली रहमा को ड्रॉप करते हैं टू अवर नानोस प्लेस एंड देन वील मूव आउट टू पेडल टेनिस। तो ये जा रही हैं जी रहमा। रहमा जरा अपना दिखा दो तो क्या पहना हुआ है, वही सुबह वाला पहना हुआ है। ओ यस, और ये अपना स्टैनले कप भी दिखा दो, स्टैनले स्टैनले कप भी देख लें जी आप लोग। एंड वी आर गोइंग टू हर नानोस प्लेस टू ड्रॉप हर ऑफ, और बस फिर यहाँ से फिर अब हम लोग निकलते हैं। यप, तो जी वी आर नाउ एंटरिंग द लेजेंड्स अरीना, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पैडल टेनिस का हमारा अपॉइंटमेंट है आज, हम लोगों ने बुक करवाया हुआ है। और आप लोग ये देखें, संडे का दिन है, रश आप लोग देख सकते हैं। एंड असल में बहुत ज़्यादा अब रश होना शुरू हो गया है यहाँ पर, और सब गाड़ी पार्क करते हैं। ये पूरा इनका फुटसॉल का है और आगे पैरल टेनिस है, तो लेट्स सी। ये देखें, और ये हमारी गाड़ी इन्होंने लगवा दी है, तो अब बस गाड़ी से उतरते हैं। ओके जी, तो ये है जी पूरा पैडल कोर्ट, आप लोग देख सकते हैं। एंड दिस इज द क्रिकेट पिच, द लेजेंड्स अरीना। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कोर्ट की तरफ, पैडल कोर्ट 3 है हमारा, और वो आप लोग देख सकते हैं। फुटबॉल, सॉरी फुटसल का मैच चल रहा है एक, लेजेंड्स अरीना वी आर चैंपियंस ट्रेन। एंड मोंटी और राबिया मौजूद है वहां। तो वी आर हियर एंड लेट्स सी, और पैरल टेनिस चल रही है जी सबकी, गुड। आराम से खेलो, आराम से, नो इश्यूज। या दिस इज द वार्म अप। तो जी बड़ी हाइप बनी हुई थी आजकल फेस टू की, और ये देखें जी माशाल्लाह पूरा वॉकिंग स्पीड बनाई है इन लोगों ने फेस टू। और ये आ गया निज़ान बैंक, बैंक इस्लामी के बीच में से ये रोड पूरी जा रही है फेस टू, और बहुत रश हुआ हुआ है आज बहुत ज़्यादा। और ये वो जगह है जहाँ पर ईटॉन है और A1 स्नैक्स हुआ करता था, और आप ये देखें बहुत ही खूबसूरत पूरा वॉकिंग इन्होंने ट्रैक बना दिया इधर। बहुत ज़्यादा आपको रश नज़र आ रहा होगा इधर, और इस तरह की कराची के अच्छे कमर्शियल एरियाज में ये लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़रा खूबसूरत भी लगता है ये आगे भी। ये देखें पूरा माशाल्लाह लोग ही लोग, लोग ही लोग, A1 पान शॉप आ गई, A1 स्नैक्स आ गया, काफ़ी अच्छा एम्बियांस क्रिएट किया हुआ इन लोगों ने इधर। अब देखते हैं हमारे घर वाले कहाँ बैठे थे। ये देखें और ये आ गया जी A1 स्नैक्स। तो आज मैंने कहा थोड़ी सी ब्लॉगिंग हम लोग स्टार्ट करें, कुर्सी ले लेना। अच्छा।
और ये देखें सातर भी है, काफ़ी अच्छा गुड स्पॉट खोल दिया, मज़ा आ रहा है लोगों को यहाँ। ये डिफेंस फेस टू में है, बहुत खूबसूरत है। इसी तरह सारे कमर्शियल एरियाज निकाल दें तो क्या ही बात बन जाए। और हमारी फैमिली बैठी है, हम जाकर बैठ रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों को एक और दफ़ा ये दिखा दूँ, पूरा रश ही रश है माशाल्लाह पूरा। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत एक्सेलेंट जी। मैंने कहा सब लोग आजकल यहाँ का ब्लॉग बना रहे हैं, तो आज हम लोग आए हुए थे, मैंने कहा काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कैमरा उठाया, मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा सा ब्लॉग बनाकर आप लोगों को यहाँ शो कर दें। और अच्छा है, सिक्योरिटी भी है, क्राउड भी अच्छा है, इंशाल्लाह लेट्स सी के खाना भी आई होप कि अच्छा ही हो। तो जी ये रहा A1 स्नैक का बारबेक्यू कॉर्नर, और यहाँ आप देख रहे हैं मज़े मज़े के टिक्के बोटियाँ बन रही हैं। हाँ 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 हाँ, और लोग भी बहुत अच्छा, काफ़ी जो है ना DHA वालों ने इसको जब से ये किया तो ये बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों का वो चलना शुरू हो गया है। और ये मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि दिस इज़ डन बाई DHA कराची, और बहुत मुझे तो बड़ा अच्छा एम्बियंस लग रहा है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इधर आने का, और इनके क्वालिटी ऑफ फूड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और ये मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि रेड एप्पल हॉट एंड स्पाइसी इन सबसे पहले ये आया था मार्केट में, और यहाँ पठान का ढाबा भी है जहाँ से मज़े मज़े की चाय दाल माश वगैरह हम लोगों ने मंगवाई है। ये देखो ये पूरा जी, ये पूरा जो है ये पूरा A1 वाले का है। और बहुत बहुत ज़्यादा रश है, पार्किंग भी बहुत दूर मिली है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा दूर पार्किंग मिली आज, लेकिन जाहिर है लेकिन इट लुक सो गुड यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई लव द वाइब ऑफ दिस प्लेस। अच्छा जी सॉरी, ये खाना आ चुका था खाने के बाद का, ये दाल है, भिंडी है और चिकन की, और अभी हमारे बर्गर और रोल्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ के, ये पठान के होटल से हम लोगों ने मंगवाया था। अच्छा जी ये आ गई बोटी, आ गई है हमारी मलाई बोटी, और ये आ गया रोल, और यहाँ पर भी रोल आया हुआ था और जो कि अब ख़त्म हो चुका है, और ये आ गई है जी दूध पत्ती चाय, और ये आ गई है मरियम। मरियम जरा अपने दांत तो दिखा दो, मरियम के जी ब्रेसेस लगे, कोई बात नहीं दिखा दो, कोई मसला नहीं है। ओके, और ये बैठी हुई रहमा, और ये बैठी हुई आमना। अच्छा जी सो वी हैव फाइनली कम बैक फ्रॉम द डिनर, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एम्बियांस की अगर हम बात करें तो एम्बियांस बहुत अच्छा था, लेकिन A1 वाले आर नॉट सो वेरी वेल इक्विप्ड, उनके पास इतने ज़्यादा लोग नहीं है शायद, क्योंकि ऑर्डर्स लाने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा देर लग रही थी, अराउंड 45 to 50 मिनट्स उनके लग रहे थे। और आप लोगों को पता है कि सैटरडे संडे का दिन होता है, क्वालिटी वॉज ओके, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन इट वॉज ओके। सो फाइनली वी हैव कम बैक, इट हैज़ बीन अ वेरी 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 हेक्टिक डे। तो यहीं पर मेरे ख्याल में व्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो, और इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, छोटों से प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएंगे, अपनी माओं की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की इज्जत करें।
और यहीं पर हमेशा की तरह एक मैसेज दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आई होप कि मैं व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूं, इसी तरह रेगुलरली व्लॉग आए, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली आजकल ऑफिस इस तरह का हो चुका है और आप लोगों को पता है कि टाइम पीछे आता चला जा रहा है, तो कुछ करने को नहीं होता। घर के व्लॉग्स में थोड़े से आपको पता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे कोई अच्छा सा व्लॉग। जैसे कोई अच्छी सी चीज होगी, कोई अच्छा इवेंट होगा तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम विद एन अदर अमेजिंग व्लॉग, इट्स अमर फारूकी ऑफिशियल साइनिंग ऑफ।